सर मंत्री जी के बेटा लोग को हम देंगे 1000 रुपया, क्या वो सुअर पालेगा? हम देंगे 2000 रुपया, क्या वो मुर्गी पालेगा? नहीं ना पालेगा। कितना देंगे सर? पूरा झारखंड का युवा चंदा करके देंगे। क्या मुख्यमंत्री सुअर पालेंगे? झारखंड के युवा चंदा करके देंगे। क्या हेमंत सोरेन सुअर पालेंगे? क्या हमारे जो जगन्नाथ माते सुअर पालेंगे? ये लोग कोयला और बालू खा के लाल हो चुका है, जानते हैं आप। उधर से जब पेट भर गया तो आप इधर युवाओं का हक मारने के लिए चला चला है। और आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हेमंत सोरेन जी आप हाईकोर्ट में लड़ाए, भारत सरकार के पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी महोदय जी से आपने हाईकोर्ट में लड़ा, भारत का नामी गिरामी कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट से हाईकोर्ट में लड़के हार गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से किसके साथ लड़वाइएगा? सुप्रीम कोर्ट जाना समय का बर्बादी है। आप अपना ताकत दूसरे के हाथों में क्यों देना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी आपके हाथ में जो ताकत है ये सरकार, आपके हाथ में जो ताकत है ये ब्यूरोक्रेट्स, आपके हाथ में जो ताकत है यहाँ का विधायकी, अब उसका इस्तेमाल करिए और एक झारखंडी हित में स्पष्ट नियोजन नीति बना करके यहाँ नियुक्ति निकालिए। बस नियोजन नीति को संशोधित करके जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए, हम लोग का भविष्य के साथ ना खेला जाए। नियुक्ति नीति रद्द होने के बाद पूरे झारखंड में युवा आक्रोशित है। इस वक्त मैं अलवट्टे का चौक पर मौजूद हूँ और ठीक आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। आप लोग क्यों आए हैं सड़क पर, क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, जो पिछले साल नियोजन नीति बना था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 10th और 12th को आधार बनाया गया था, उसमें गवर्नमेंट एक मिस्टेक ये की थी कि सभी कम्युनिटी को फॉर्म भरने का मौका दी थी जो बाहर से 10th 12th किए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जनरल को उसमें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया था। और इसी नीति को कोर्ट में चैलेंज किया गया रमेश हांसदा के द्वारा, और भी लोग थे, तो कोर्ट इसको रद्द कर दी। तो अगर गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, या फिर यहाँ का जो भी नेता मंत्री है उनको तो पता है, एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, उसको बाहर करेंगे, आप इसको दे नहीं रहे हैं यहाँ, मतलब स्थानीय का बाहर वाला स्टेट देंगे, आप बताएंगे ना ये कहाँ के हैं? तो इसी को लेके नियोजन नीति कल क्वेश हुआ गया और कल स्टेटमेंट आता है। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति जो क्वेश हुई है हाईकोर्ट में, उसको 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर इंस्टेंट एक्शन ले और अच्छे तरीके से बना के 1 महीने के अंदर उसको ठीक करे और दोबारा उस पर नियोजन किया जाए अगले महीने। राज्य सरकार की तरफ से जो एक मैसेज आया है वो ये है कि वो लोग संभवतः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जब वो सरकार बोल रही है कि हम अपने नियुक्ति नीति के साथ खड़े हैं और हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आप लोग टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं सरकार को? क्या जल्दबाजी है? जल्दबाजी देखिए सर, हम लोग 1-1.5 साल से अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद अभी जैसे JEE का एग्जाम हुआ, अभी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, तो ये दोनों एग्जाम जैसे हम लोग दिए उतना पढ़ने के बाद अभी ये बोल रहे कि नहीं ये सब कैंसिल हो गया, नियोजन नीति हम लोग का गलत है, नहीं बन पा रहा, हाईकोर्ट जैसे दिए हैं ये असंवैधानिक है ये बोला जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी जानते थे कि असंवैधानिक है ये चीज। देखिए इस तरह से पहले अंग्रेज लोग ठगा किए थे, अंग्रेज लोग बनाए थे डलहौजी विलय की नीति, फिर बनाया था फ्रांसीसी डी अल्मेडा, वो बनाए थे ब्लू वाटर पॉलिसी, वो भी नीति बनाया था, एक अंग्रेज लोग नीति बना के हम लोग को इंडिया को बुड़बक बना के चल गए, और अभी ये पार्टी जो है हेमंत सोरेन की सरकार नीति खेल के हम लोग को बुड़बक बना रही है, और कुछ नहीं कहना इसमें। ये जो है ना इन लोगों का नीति कुछ नहीं, इन लोग सब जानता है कि गलत है, इन लोग यहाँ ठग रहा है और टाइम पास कर रहा है और वो लास्ट तक इंतजार कराने की कोशिश में है। इन लोगों को समझना चाहिए इस चीज को कि हम लोग सही नीति लेके एक सही मंशा रखे और सही नीति बना के इन लोगों को रोजगार देने का काम करे, और इन लोग शुरू से ठगने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस पूरे भीड़ में कुछ युवतियाँ भी हैं जो नौकरी की तैयारी कर रही थी। दरअसल ये जो पूरा भीड़ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वो स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी के वो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियाँ की तैयारी करते हैं, झारखंड के अलग अलग जिलों से आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे आई हैं, क्या डिमांड है आपका? बस नियोजन नीति को संशोधित करके जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए, हम लोग का भविष्य के साथ ना खेला जाए। जब से कल से हम लोग सुने हैं तो रात भर नींद नहीं आया, कि अब लग रहा है कि भविष्य अंधकार में ही चला गया है। सरकार इस तरह से हम लोग के साथ नहीं खेल सकती है, हर हाल में नियोजन नीति लाना होगा और विदिन 15 दिन के अंदर अपना देना पड़ेगा स्टेटमेंट कि क्या वो चाहते हैं, क्यों इस तरह का सर जो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करें और उसको लागू करें अच्छे से। अच्छा, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात कर रहे हैं वो फिर से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप 15 दिन का समय लीजिए, सरकार आपकी है,
तो आप लोग मात्र 15 दिन का अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? आप लोग का उम्र क्रॉस हो रहा है, इस वजह से एक चिंता है। हम उम्र का जहां तक बात है, पिछले सरकार में जब वैकेंसी आया था हम लोग का, उस समय भी नियोजन नीति 13-12 करके हम लोग का रद्द कर दिया गया। इस बार का सरकार आया, ये भी 11-14 करके ये भी रद्द कर दे रहा। हम लोग पढ़े तो पढ़े क्या, लिखे तो लिखे क्या, और जाए तो जाए कहाँ। परसों दिन हम लोग आया है पीजीटी का एडमिट कार्ड, उसमें से हम लोग सोचे 20 तारीख को मेरा एग्जाम था, अब कल ही उसको रद्द कर दिया। यार हम पढ़े तो कितना साल पढ़े, आखिर कहीं ना कहीं अब उम्र 26 साल हो चुकी है। अब मान चले कि 28-30 साल में हम लोग का रिटायरमेंट हो जाता है फॉर्म भरने का, हम लोग जाए तो जाए किसके पास जाए। पिछले सरकार भी हम लोग को ठकने का काम किया, ये सरकार भी वही काम कर रहा। अगर समय रहते नहीं संभला तो 24 दूर नहीं है हेमंत जी, बहुत जल्दी आपको छात्र के द्वारा जवाब दे दिया जाएगा। आपका 20 दिसंबर को एग्जाम था जी, ये कल परसों का एग्जाम मेरा रद्द हो गया। हम पढ़े तो अब पढ़े क्या, समझे। लाइब्रेरी में बैठे बैठते अब 3 साल हो चुका है। अब सही टाइम से हम लोग चाह रहे कुछ आधिकारिक जॉब ले, यहाँ तो जॉब का तो छोड़ दीजिए, एडमिट कार्ड आने के बाद भी कैंसिल हो जा रहा। हम लोग किसके पास जाए, हम लोग का यही समझ में नहीं आ रहा है। ये इसी चलते मुख्यमंत्री जी से बस एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई अगर इस मुद्दे पे नहीं किया गया तो 24 दूर नहीं है मुख्यमंत्री जी, फिर सरकार बदल जाएगी आपकी, बस यही चीज। दरअसल ये तो नियुक्ति नीति रद्द हुई है, उसके ठीक बाद एसएससी का जो कैलेंडर था कि फलाने समय में ये एग्जाम होगा, उस वक्त वो एग्जाम होगा, उसको भी कैलेंडर वापस ले लिया गया है। इससे भी जो है एक नाउमीदी जो है छात्रों में है। अच्छा, जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई नौकरियां सिर्फ थोड़े है सरकारी नौकरी, कोई और काम ढूंढ ले। हम तो शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि विधायक बनना जरूरी है क्या? बिना विधायक के भी तो सरकार चल सकती है, बिना विधायक के भी सरकार बन सकती है। अगर कम पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री का प्रभार लिया हुआ है और वो ऐसा बयान उलूल गुलूल बयान देते हैं तो इसे युवाओं में क्या जाएगा? युवाओं जो है पूरा हताश हो चुके हैं। मेरा 27 तारीख को एग्जाम था पीजीटी मैथ्स का, हम पूरा भरपूर तैयारी के साथ किए हुए थे, सरकार ने क्या किया, अचानक निजी नीति ऐसी बनाती है कि उनकी मनसा ही नहीं है सरकार की नौकरी देना है। सरकार ऐसा नियुक्ति बनाया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हार गया, और जैसे होता है ना कि एक आदमी को बोलता है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आदमी जब मर जाता है ना तो उसको अमृत पानी पिलाइए चाहे अमेरिका के डॉक्टर से इलाज कराइए, वो मर गया। तो जब सिंगल बेंच से हार गए हैं तो इसका मतलब है कि आप हार गए, आपने गलत नीति बनाया था। अगर सरकार अगर सही में नीति बनाती तो क्यों माय कल्याण नहीं है कि उस नीति को उसके खिलाफ में जाता। सरकार ने नीति जो है हमारे युवाओं के खिलाफ में बनाया था, क्योंकि सरकार की नीति नहीं थी कि हम इनको नौकरी दें। 2 साल सरकार ने कोरोना का बहाना बनाया, 3रा साल बोला कि नियुक्ति वर्ष कर देंगे, 5 लाख युवा नौकरी को देंगे, और जब नौकरी देने का बारी आया तो ऐसा नीति बनाया 10-12 कर दिया। उसके पहली सरकार 11-13 चल रहा था, पहली सरकार वार्ड नंबर में काम कर रहा था, ईवीएम में आ गया, बोला हम वार्ड में नहीं चलेंगे, हम ईवीएम में चलेंगे, 10-12 चलेंगे, 11-13 झारखंड को 2 भाग में बांटा, ये बोला कि हम नौकरियां नहीं देंगे। अब इस प्रकार से युवा ऐसा जगह पर आ गए कि रोड पर आए हुए हैं, और जो आज रोड पे हैं, परसों जो हम लोग हैं 19 तारीख को पूरा झारखंड बंद कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उम्र सीमा खत्म हो गया, 1 साल बचा हुआ था वो भी खत्म कर देगा सरकार। सरकार ना नीति बनाएगा, बोलता हम डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जाते रहे और हम लोग उम्र खत्म हो गया, अब कुछ उपाय नहीं बचा, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जो करना रहेगा अमल कर लेंगे, अब कोई उपाय नहीं हमारे पास। 19 तारीख को क्या होना है सर? पूरे झारखंड को बंद करना है 19 तारीख को, क्योंकि सर आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम लोग सिर्फ वो एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, जिसमें सीजीएल था, लैब असिस्टेंट था, स्टेनोग्राफर का था एग्जाम था, उसके बाद और भी बहुत सारे विज्ञापन थे इसमें से, लेकिन उन तमाम विज्ञापनों में से हम लोगों ने देखा कि हम लोग तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन सर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली देखा है तो मतलब सीजीएल में लगभग 6 लाख से अधिक स्टूडेंट थे जो तैयारी करते इस चीज़ का, लेकिन उसका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट कैलेंडर वगैरह सब निकाल दिया गया था। हम लोगों ने 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन किया, उसका असर देखा, एग्जाम कैलेंडर निकला, लेकिन अब हाई कोर्ट के माध्यम से उस नीति को ही खत्म कर दिया गया है। जब नीति खत्म हो गई तो अचानक से हम लोग को लगने लगा कि अब हमारे पास होने के लिए क्या बचा हुआ है, तो हम लोग सड़क उतरने के लिए मजबूर हो गए। और आज देखिए सर, तो कुछ और काम कर लो ना भाई, मंत्री जी भी बोल रहे हैं। सर मंत्री जी के बेटा लोग को हम देंगे 1000 रुपया, क्या वो सुअर पालेगा? हम देंगे 2000 रुपया, क्या वो मुर्गी पालेगा? नहीं ना पालेगा। कितना देंगे सर? पूरा झारखंड का युवा चंदा करके देंगे। क्या मुख्यमंत्री सुअर पालेंगे? झारखंड के युवा चंदा करके देंगे। क्या हेमंत सोरेन सुअर पालेंगे? क्या हमारे जो जगन्नाथ माते सुअर पालेंगे? ये लोग कोयला और बालू खा के लाल हो चुका है, जानते हैं आप। उधर से जब पेट भर गया तो अब इधर युवाओं का हक मारने के लिए चला है। मैं एक चीज बताता हूँ कि इनका सिंपल सा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इनका स्विस बैंक में खाता है, इनका
यहाँ पे दिल्ली में खाता है, इनका झारखंड में खाता है, अब तो ये युवाओं का हक भी खाता है सर, तो ऐसे लोगों को क्या बोलिएगा? हम लोगों को कोई शौक नहीं चला हुआ कि हम लोग अपना किताब छोड़ करके, बस्ता छोड़ करके सड़क उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, बिल्कुल नहीं सर। आंदोलन करना बहुत कठिन काम है और उसको करने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं। आखिर कल जो नीति आई, माननीय जगन्नाथ माथुर जी कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत आदर करते हैं उनका, लेकिन उसके बाद भी उनका जो बयान आता है कि नौकरी करने क्या जरूरत है, अपने बेटे लोग को सेटल करते हैं, जहाँ जहाँ दारू का दुकान है वहाँ हफ्ता वसूली के लिए रोज भेजते हैं शाम के टाइम में कि हर कैंडिडेट से 10 रुपये लेके आओ, और इस तरह का हफ्ता वसूली करते हैं। और आज जब युवा नौकरी मांगते हैं तो बोलते हैं नौकरी करने क्या जरूरत है। उससे भी बड़ी बात की जब बोलते हैं कि उम्र सीमा का क्या होगा, तो बोलते हैं वो तो बीतने वाला चीज है, वो तो बीत जाएगा। अब बीत जाएगा तो क्या घंटा आप लोग को, क्या हम लोग यहाँ घास सीने के लिए बैठा है? काम तो करना पड़ेगा ना, और जब काम नहीं करेंगे तो युवा सड़क पे आएंगे, और आज युवा सड़क पे आए हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को और जगन्नाथ माथुर जी को ये बोलूंगा, अपना कुर्सी की पोटी संभाल के रखिए, मौसम का मिजाज बदलने वाला है, झारखंड में सड़क में, झारखंड में युवा सड़क पे उतरने वाले हैं, अब बुलगुलान होगा, तांडव होगा। क्या मौसम बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि झारखंड 22 साल का हो गया है, और ये झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी संघर्ष का झारखंड है, और झारखंड का निर्माण इसलिए हुआ था कि झारखंड का जो है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और ये सरकार भी यही वादा करके आई थी, लेकिन ये वादा करके आई थी कि हम यहाँ पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, और आने के बाद सरकार के प्रमुख मंत्रिमंडल में बैठे शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो कहते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या जरूरत है। हेमंत सोरेन की सरकार, अरे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सरकार, सुन लीजिए कि अगर जिस सरकार में सरकारी नौकरी का जरूरत नहीं है, झारखंड में उस सरकार का जरूरत नहीं है। यह सरकार भराओ और झारखंड को बचाओ, क्योंकि सरकार एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित तरीके के तहत, जिस किसका जो मंशा था कि हम यहाँ कर लोगों को रोजगार नहीं देंगे, और इसका कई बातों से ये झलकता है। कभी कहते हैं अंडा मुर्गी कुत्ता बिल्ली बचो, कभी कहते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या जरूरत है, और इसीलिए ऐसा जानबूझ के साजिश के तहत एक ऐसा नियोजन नीति लाए थे जो रद्द हो गया आगे जाके, और आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हेमंत सोरेन जी, आप हाईकोर्ट में लड़ाए भारत सरकार के पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी महोदय जी से, आपने हाईकोर्ट में लड़ा भारत का नामी गिरामी कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट से, हाईकोर्ट में लड़के हार गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से किसके साथ लड़वाइएगा? सुप्रीम कोर्ट जाना समय का बर्बादी है। आप अपना ताकत दूसरे के हाथों में क्यों देना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी, आपके हाथ में जो ताकत है ये सरकार, आपके हाथ में जो ताकत है ये ब्यूरोक्रेट्स, आपके हाथ में जो ताकत है यहाँ का विधायक की, अब उसका इस्तेमाल करिए और एक झारखंडी हित में स्पष्ट नियोजन नीति बना करके यहाँ नियुक्ति निकालिए, अन्यथा ये सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ छात्र आपको बर्बाद कर देंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युवा हैं, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है वो टाइम जो है काटने जैसा है, आपके पास अधिकार है छात्रों के लिए, आप जल्द ही फैसला लीजिए। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स, क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.